सरकार की योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंचे, इसके लिए कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी द्वारा कांग्रेस संदेश यात्रा का शुभारंभ 14 अप्रैल को अंबेडकर नगर से किया गया था। प्रदेश के अलग अलग जनपदों से होती हुई यात्रा 8 मई को जनपद मुरादाबाद में प्रवेश करेगी। इस यात्रा को सफल बनाने के लिए कांग्रेस कमेटी द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संदेश यात्रा के संयोजक बनाए गए रवि अरोरा ने जानकारी देते हुए बताया, जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से इसमें पूर्ण रूप से पूर्ण जोश के साथ उनके स्वागत का यात्रा का तैयारी करी जा रही है और सारे कांग्रेस जन इसके अंदर पूर्ण सहयोग के साथ लगे हुए हैं और ये यात्रा जो है उमरी कलां में जो है सवेरे 8 बजे रिसीव होगी और वहाँ से 9 बजे से इस जनपद में इसका गर्म जोशी के साथ स्वागत किया जाएगा। सर, इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? सर, इसमें युवा सम्राट राहुल गांधी जी ने अपना एक सपना रखा है। वो सपना ये है कि जन जन तक, जहाँ तक भी, आखिर जगह तक, विलेज में, देहात में, कस्बों में पहुँच कर एक कांग्रेस का जो संदेश है, जो कांग्रेस जिन नीतियों पर काम कर रही है, जो कांग्रेस ने अपनी नीतियाँ पब्लिक इंटरेस्ट में बनाई हैं, उनको मदद करने के लिए एजुकेशन, ग्रामीण रोज योजना है और तरह तरह की योजनाएं हैं, उन तक पहुंचाने के लिए कि कांग्रेस हर पक्ष का, हर समुदाय का, हर साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए क्या कर सकती है और क्या क्या उनके वो हैं, वो मैसेज पहुंचाने के लिए हम लोग हर जगह जाएंगे। और यहाँ तक भी है कि अगर उस गांव में कोई भी स्वतंत्रता सेनानी, कोई बहुत वरिष्ठ नेता या कोई बहुत माननीय नेता वहाँ पर कांग्रेस का उपस्थित है, तो हम उसके घर जाएंगे, उनको सम्मानित करेंगे, एक कांग्रेस में एक ऐसी स्फूर्ति पैदा करेंगे जिससे कि लोगों को ये महसूस हो कि कांग्रेस ही देश की एक सच्ची पार्टी है जो कि हमारे आगे के जीवन का मार्गदर्शन कर सकती है।